असलम डियर स्टूडेंट्स क्लास सेवन्थ आज हमें टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोटीन करना है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमें बोल रहा है द प्राइस ऑफ हिस शर्ट इज़ रेड्यूसड बाई फिफ्टीन परसेंट इन ए डिस्काउंट सेल फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिला है किसी शॉर्ट में इफ इट प्रेजेंट प्राइस इज़ वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रुपीज़ ट्वेंटी फाइव पैंसे तो वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ ट्वेंटी थ्री रुपीज़ ट्वेंटी फाइव पैंसे में हमें मिली वो फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट करके फाइंड इट इज़ ऑरिजिनल प्राइस ऑरिजिनल प्राइस हमें निकालना है तो डिस्काउंट करके उसको वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट निकला तो यहाँ पे प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ रिड्यूस्ड कितना हुआ फिफ्टीन परसेंट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ रिड्यूस्ड बाई फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट जो डिस्काउंट मिला हमें प्रेजेंट प्राइस इज प्रजेंट प्राइस इज़ रुपीज़ वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव देयर फोर बचा क्या एटी फाइव परसेंट कितना है उतना है इसका एटी फाइव परसेंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट होना ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू थ्री फाइव वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव का को, कोई भी एक्स का वैल्यू हमने लिया मीनज टोटल वैल्यू कितना है इस शर्ट का टो फिफ्टीन परसेंट लेस करके लेकिन हमने 80 परसेंट निकालना है किसका टोटल प्राइस का एट्टी फाइव परसेंट तो यहाँ पे हम करेंगे 85 फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड इंट एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव फाइव एक्स डिवाइड बाई हंड्रेड इज़ इक्वल टू वन थ्री पॉइंट टू फाइव एक्स इज़ ऑक्ल टू हंड्रेड को ट्रांसपोज करेंगे इधर वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव इन टू हंड्रेड डिवाइड में ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा एक्स इज ऑल टू वन टू थ्री टू फाइव डिवाइड बाई एटी फाइव तो एक्स का वैल्यू हमें क्या निकला वन फोटी फाइव तो टोटल प्राइस क्या था प्राइस ऑफ ए शर्ट क्या था टोटल वन फाइव जो हमने एक्स कंसिडर किया था तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द शर्ट फिफ्टीन परसेंट लेस किया वन फोर्टी फाइव का वो हुआ वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव अब हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बोल रहा है हमें द प्राइस ऑफ योर शुगर हैज राइज़न बाई ट्वेंटी परसेंट प्राइस शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ ट्वेंटी परसेंट बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस वाइफ रिड्यूस आर कंज्शन ऑफ शुगर हाउ मच परसेंट एक हाउस वाइफ़ को एक बजट बना के होता है कि उसको शुगर कैसे लाना है राइस कैसे लाना है आटा कैसे लाना है वो कैसे वो परसेंटेज निकालेगी ट्वेंटी परसेंट बाकी में जो जिससे वो शुगर लाएगी सो एज़ नॉट टू इंक्रीज़ हर एक्सपेंडिचर तो इसको इंक्रीज़ अगर वो इंक्रीज़ हुआ है तो अगर वो देखेगी तो ट्वेंटी परसेंट उसका एक्सपेंडिचर जो होता है उसका वो इसमें ऐड हो जाएगा लेकिन वो उसी में से निकालेगी जो बाकी खर्चे होते हैं उसको उसी में से वो ट्वेंटी परसेंट कैसे निकालेगी तो इसका यहाँ पे हम लिखेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर शायद फाइव किया था कल उसी में लेट द कंज़प्शन ऑफ शुगर ओरिजिनली बी वन यूनिट एंड इट कॉस्ट फॉर एग्जांपल रुपीज हंड्रेड एक यूनिट एक के जी का रुपीज़ वन हंड्रेड है न्यू कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज इक्वल टू तो वन ट्वेंटी क्योंकि ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हो गया दे आर फोर ना रुपीज़ वन ट्वेंटी ऑफ वन यूनिट ऑफ शुगर सो so, रुपीज हंड्रेड विल येल्ड विल्ड सो रुपीज हंड्रेड वन डिवाइड बाय वन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड यूनिट इज इक्वल वो कितना होता है जीरो और जीरो कट हो जाएगा यहाँ पे बचा टेन डिवाइड बाई टू फाइव ज़ा टू सिक्स जा तो बचा फाइव डिवाइड बाय सिक्स यूनिट ऑफ शुगर शुगर डिवाइड यूनिट ऑफ़ शुगर रिडक्शन इन कंज़प्शन जो उसका कंज़प्शन है रिडक्शन उसका रिडक्शन हम करेंगे रिडक्शन ऑफ कंज़प्शन बाकी में जो रिडक्शन करेगी वन माइनस फाइव डिवाइड बाई सिक्स इज इक्वल सिक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई सिक्स वन डिवाइड बाई स अब यही रिडक्शन हमें फाइव डिवाइड बाई को करना है फाइव डिवाइड बाई वन को माइनस करना है देयर फोर रिडक्शन परसेंटेज ऑफ इन कंजन ये हमें यूनिट्स में निकला परसेंटेज में कैसे करेंगे वन डिवाइड बाई सिक्स इंटू हेंडराइट या वन डिवाइड बाई वन डिवाइड इंटू हेंड्राइड कर सकते हैं तो वो होता, वो होता है डिवाइड बाई सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्स कितना होता है फाइव टू थ्री जिक्स टू फिफ्टी ज़ा फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री विच इज अगर हम मिक्सड में देखेंगे इसको थ्री सिक्सटीन ज़ा फोर्टी एट बचा क्या टू सिक्सटीन इज टू टू डिड बाई थ्री परसेंट सिक्सटीन इज टू थ्री डिवाइड बाई टू परसेंट इसका आंसर है अब है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर

तो हाउ मच परसेंट इन द इनकम ऑफ बी लेस देन दैट ऑफ ए हमें देखना है बी की परसेंटेज कितनी होगी कम ए से क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है एक दो बार आप अगर आप रिपीट करोगे तो ये बहुत ईजी लगेंगे आपको लेट बी इज इनकम इज रुप हंड्रेड बी की रुपीज़ हंड्रेड है ए की कितनी है उससे ज़्यादा ट्वेंटी परसेंट ए इज इनकम इज़ मोर देन ट्वेंटी परसेंट मोर देन बी इज़ इनकम ट्वेंटी परसेंट तो वो कितनी होती है वन ट्वेंटी रुपीज़ वन ट्वेंटी रुपीज़ फिर हम लिखेंगे इफ इज़ इनकम इज वन ट्वेंटी बीज इनकम इज लेस बाई ट्वेंटी ओबली उसकी ट्वेंटी रुपीज़ कम ही है तो हमें परसेंटेज अगर हम निकालेंगे ट्वेंटी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी इंटो हंड्रेड ज़ीरो काट ज़ीरो और ज़ीरो काट सॉरी 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 ज़ीरो डिवाइड बाई वन ट्वेंटी इंटो हंड्रेड जीरो और जीरो का ट्वेंटी इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड डिवाइड बाई ट्व अगर हम यहाँ पे देखेंगे टू सिक्स जा टू हंड्रेड जा टू थ्री जा, जा सेम जो पिछले क्वेश्चन में आंसर आया फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री और कन्वर्ट किया इसको सिक्सटीन इज टू टू डिवाइड बाई थ्री परसेंट तो ये है आंसर इसका तो बी की पर, कितनी परसेंटेज कम है उसके सिक्सटी इज टू टू बाई थ्री अब है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं सिक्स परसेंट कमीशन ऑन द सेल ऑफ लैंड अमाउंट टू फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी एट वाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द लैंड सिक्स परसेंट किसी को कमीशन मिला है लैंड भेजने में तो उसको पैसे दिए किसी ने फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी एट तो टोटल तो हमें परसेंटेज बताना है सिक्स परसेंट होता है इसका होता है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट हमें टोटल पैसे बताने हैं कितने हैं टोटल अमाउंट कितना है ट सिक्स परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव सिक्स एट एट फाइव सिक्स एट ऐट सिक्स परसेंट है टोटल लेकिन हमें लेट द वैल्यू ऑफ लैंड बी एक्स हमें पता नहीं है अभी सिक्स परसेंट लेकिन उसका है फाइव सिक्स एट एट जो कमीशन मिला है तो सिक्स परसेंट डिवाइड बाई हंड्राइड अगर हम करेंगे इंटू एक्स इज ऑल टू फाइव सिक्स एट एट तो हमें एक्स का वैल्यू निकलेगा टोटल वैल्यू निकलेगा सिक्स एक्स डिवाइड बाई हंड्राइड इज इक्वाल टू फाइव सिक्स एट एट एक्स इज ऑलन टू फाइव सिक्स एट एट इंटू हंड्राइड ट्रांसपोज करके ये डिवाइड में है तो मल्टीपल में चला जाएगा डिवाइड बाई ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में x एक्स इज़ ईक्वाल टू फाइव सिक्स एट एट ज़ीरो ज़ीरो डिवाइड बाई सिक्स सिक्स से डिवाइड करना है फाइव सिक्स एट एट ज़ीरो ज़ीरो तो वो होता है नाइन फोर एट ज़ीरो ज़ीरो रुपीज़ तो टोटल एक्स का वैल्यू हमें क्या निकला नाइन फोर एट ज़ी ज़ीरो टोटल वैल्यू ऑफ लैंड कितना है नाइन थाउज नाइन्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो कमीशन उसको फाइव परसेंट सिक्स परसेंट मिला तो वो सिक्स परसेंट है फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एट्टी एट रुपीज़ अब है क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन बोल रहा है हमें एन ओर कंटेन एटीन परसेंट ऑफ कॉपर। हाउ मेनी के जी ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट सिक्सटी थ्री के जी ऑफ कॉपर। ओर कंटेन कर रहा है एटीन परसेंट ऑफ कॉपर उसमें कॉपर है एटीन परसेंट हाउ मेनी के जी ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट सिक्सटी थ्री के जी के जी ऑफ कॉपर हमें कितना के जी चाहिए और के लिए जिसमें सिक्सटी थ्री के जी ऑफ कॉपर हम फिल करेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली लेट द के जी ऑफ और इज इक्वल टू एक्स हमें अभी पता नहीं है कितना के जी लगेगा उसमें तो एटीन परसेंट हमें क्या है एटीन परसेंट ऑफ एक्स हमें है सिक्सटी थ्री के जी सिक्सटी थ्री के जी टोटल हमें एक्स के जी लेने हैं लेकिन एटीन सिक्सटी एटीन परसेंट इसका है सिक्सटी थ्री के जी जैसे इसमें इस, इस क्वेश्चन में था तो एटीन डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री एक्स इज टू डायरेक्टली मैं करूँगा इस टाइम सिक्सटी थ्री इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एटीन एक्स इज टू सिक्सटी थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई एटीन एक्स इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी तो हमें थ्री फिफ्टी के जी चाहिए टोटल और के लिए हाँ टोटल और के बनाने के लिए हमें कितना चाहिए थ्री फिफ्टी के जीज अब है थ्री फिफ्टी के जी ऑफ कॉपर चाहिए हमें हाँ अब है द वैल्यू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बो रहा है द वैल्यू ऑफ़ अ कार डिक्रीज एनअली बाई ट्वेंटी परसेंट एक कार है फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैगनार कार है उसकी अमाउंट जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है ट्वेंटी परसेंट हर साल इफ़ द प्रजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज थ्री लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड वट विल बी द वैल्यू आफ्टर टू ईयर्स दो साल के बाद क्या वैल्यू होगी तो इसकी ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज हो रही है तो हम देखेंगे ट्वेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू रुपीज कितना थ्री लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट डिक ड्रीज एनुअली ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज एनुअली हम पहले एक साल का निकालेंगे दिए उसके बाद हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर टू इयर्स वैल्यू ऑफ़ कार आफ्टर टू इयर्स हमें निकालना है वो एक साल में उसको ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है इसका तो ट्वेंटी परसेंट फर्स्ट ईयर डिक्रीज़ फर्स्ट ईयर ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज़ ऑफ़ वैल्यू तो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट हमें निकालना है ट्वेंटी परसेंट किसका ऑफ थ्री फोर फाइव ज़ीरो 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 ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड परसेंटेज के बजाए बजाए इंटू थ्री फोर फाइव थ्री ज़ीरोज़ दो ज़ीरोज़ काट यहाँ पे दो ज़ीरोज़ यहाँ पे काट तो बचा क्या ट्वेंटी इंटू थ्री फोर फाइव ज़ीरो वो होता है सिक्स नाइन ज़ीरो 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 सिक्स नाइन जीरो ज़ीरो जीरो तो पहले साल उसको कितना लॉस हो रहा है डिक्रीज वैल्यू कितना हो रहा है सिक्सटी नाइन थाउजेंड किस में से माइनस करना है देअर फोर थर्ट थ्री लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस सिक्सटी नाइन थाउजेंड वो कितना होता है टू लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड तो पहले साल उसको वैल्यू आता है टू लैख सेवेंटी सिक्स सिक्सटी नाइन लॉस होता है ठीक है ये डिक्रीज वैल्यू नाउ, अब इस पे होगा नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर ट्वेंटी परसेंट इस पे होगा नाउ, सेकंड ईयर ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज ऑन द वैल्यू ऑफ किस पे टू लैख सेवेंटी सिक्स पे ना कि थ्री लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड के क्योंकि ये उस पर इस टाइम वैल्यू है तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ टू लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू टू लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड सॉरी दो ज़ीरोज़ यहाँ पे काट और दो ज़ीरोज़ यहाँ पे काट बचा क्या यहाँ पे ट्वेंटी इंटू टू सेवन सिकस ज़ीरो ट्वेंटी इंटू टू सेवन सिक्स ज़ीरो तो ट्वेंटी इंटू टू सेवन सिक्स ज़ीरो होता है फ़ाइव फाइव टू ज़ीरो ज़ीरो तो दूसरे साल उसको कितना लॉस हुआ फाइव फाइव टू ज़ीरो ज़ीरो किस पे इस प्राइस पे तो हमें देखना है देअर फोर टू सेवन सिक्स ज़ीरो 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 माइनस फाइव फाइव टू जीरो ज़ीरो फिफ्टी फाइव थाउज़ेंड दूसरे साल उसको लॉस हुआ पहले साल सिक्सटी नाइन थाउज़ेंड हुआ क्यों ट्वेंटी परसेंट ही यहाँ पे भी हुआ यहाँ पे भी ट्वेंटी यहाँ पे कम क्योंकि अमाउंट यहाँ पे कम था यहाँ पे पहले अमाउंट ज़्यादा था तो वो कितना हुआ ट्वेंटी टू थाउ टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड दियर फोर वैल्यू ऑफ कारफ्टर टू इयर्स इज therefore फॉर वैल्यू ऑफ after आफ्टर years is इज ट्वेंटी टू लैख तो टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड तो ये थी वैल्यू कार की दो साल के बाद पहले साल उसको ट्वेंटी परसेंट लॉस हुआ दूसरे साल उसको ट्वेंटी अब अगर आप ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी फोर्टी परसेंट डायरेक्टली करोगे वो तो इस पे हो जाएगा तो वो आंसर गलत निकलेगा इसलिए पहले ट्वेंटी परसेंट इस प्राइस पे निकाला ट्वेंटी परसेंट फिर जो पहले साल निक, 20, निकला उस पर तो दूसरे साल निकला तो इस पर तो उस पर हमें निकला एग्जैक्ट वैल्यू तो ये थी एक्सरसाइज टेन थैंक यू